त्यौहार आया कि हम औरतों की तो सफाई ही शुरू हो जाती है, भले ही उसमें अपना दिमाग तक साफ हो जाए, हम घनचक्कर बना के रख देते हैं त्यौहार। अब गले का हाल देख रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए, डस्टिंग करते हुए, जाले साफ करते हुए, जाले भी उफ़ जाले तो पूछे ही मत, पता नहीं कहाँ से इतनी मकड़ियाँ आती हैं और उनको कोई काम भी नहीं जाले बनाने के सिवा। पता है उसमें कोई भी नहीं फंसेगा, इतनी सफाई के बाद मक्खियाँ अब घर में आती नहीं, कौन फंसेगा इनके जाल में। फिर भी जाले बनाएंगी, अब बनाएंगी तो हमें साफ भी करना है, और किस लिए साफ करना है कि ये त्यौहार पे चार लोग आएंगे, देखेंगे कि घर इनका गंदा पड़ा हुआ है। अरे घर गंदा हमारा पड़ा हुआ है, लेकिन आने वालों के चक्कर में तो साफ करना ही पड़ता है। वाकई हम तो बीमार पड़ गए हैं सफाई कर करके। अब तो बस ये दिवाली निपटे और जो लोग आएंगे, पता चला कि चले आ रहे हैं घर के अंदर, कारपेट तो मैंने बिछाना ही छोड़ दिया, कीचड़ में आएंगे उनके बच्चे, लान में पानी खोल के खेलेंगे और उसके बाद सीधे कारपेट पे। अब इतना कारपेट पे मैं बिछाऊं, इतना काम करूं, सफाई करूं, और उसके बाद फिर उनके जाने के बाद अगले दिन धूप में डालूं, अल्ले के डंडा कारपेट पीटूं, हमारे तो बस का नहीं है। अबे किसी तरह दिवाली निपटे और आने जाने वाले निपट के जाएं, फिर आराम से अपने घर को पूरा फैला के गंदगी से आराम से, बिस्तर पे 4-6 किताबें हों, कई दिन के पेपर पड़े हों, कुछ उलझे कपड़े पड़े हों, एक आध गीली तौलिया पड़ी हो, क्या आनंद आता है। लगता है घर घर है, तो घर न हुआ एकदम होटल हो गया, ये साफ करो वो चमकाओ। अरे कोई आके सफाई के मार्क्स नहीं देने वाला है, बस जो जैसा हो पाए वैसा बहुत है। अरे हाँ, इस चक्कर में तो मैं सबको दिवाली की शुभकामना देना भूल ही गई। अरे भाई दिवाली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक रहे तो हमें भी मुबारक, नहीं तो जिस तरह से थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है ना डस्टिंग कर करके, धूल अंदर जा जा के, डॉक्टर के चक्कर तो हमें ही काटने पड़े ना। अब हमें भी थोड़ी बहुत दिवाली मुबारक हो ही जाए।